ओके, ये रहे वो पांच एक्सटर्नल सेटिंग्स जिनको अगर आप ऑन कर लेते हो देन आपका शॉर्ट रेंज, मिड रेंज एंड लॉन्ग रेंज पर इसी तरीके का हेडशॉट लगने लगेगा एंड आपका कछुए के जैसा चलने वाला फोन चीता के जैसा दौड़ेगा। सो वेलकम बैक अगेन गाइस, मैं हूं स्टॉर्म शक्ति एंड और एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। ओके, सबसे पहले हम लोग जो भी सेटिंग को यूज करेंगे वो सारा का सारा सेफ सेटिंग है, मतलब इसको यूज करने से आपका आईडी सपनों में भी बयान नहीं हो सकता है एंड नो डाउट ये पांच सेटिंग सीक्रेट सेटिंग है एंड इनको ऑन करना उतना आसान नहीं है, बट अगर आप इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते हो देन आप आसानी से इन सेटिंग्स को ऑन कर पाओगे। तो मैंने आपको क्यों बोला इन सेटिंग्स के पास पहुंचना उतना आसान नहीं है, जैसे बैंक में पैसे को एक सीक्रेट लॉकर में रखा जाता है वैसे समझो आपका फोन इन सेटिंग को एक सीक्रेट प्लेस पर रखा है। इन सेटिंग्स के पास पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको वो सीक्रेट लॉकर को ढूंढना है एंड उसके अंदर जाना है एंड वो लॉकर का नाम है डेवलपर ऑप्शन, जिसके अंदर ये पांच सीक्रेट सेटिंग्स छुपे हुए हैं एंड उससे पहले आप बोलो कि शक्ति भाई मेरे फोन में डेवलपर ऑप्शन नहीं है। आपको बता दूं हर एक फोन में, आई रिपीट, हर एक फोन में डेवलपर ऑप्शन होता है। हाँ, फोन कंपनी वाइज उसका लोकेशन अलग अलग हो सकता है बट डेफिनेटली डेवलपर ऑप्शन सभी के फोन में होता है। तो फिर चलो देखते हैं आपको डेवलपर ऑप्शन को कैसे और कहां से ऑन करना है। सबसे पहले आपको अपना फोन के सेटिंग पर जाना है, देन नीचे सिस्टम पर जाना है एंड उसके अंदर आपको अबाउट फोन का ऑप्शन दिखेगा, आपको उसके अंदर जाना है। देन थोड़ा सा नीचे आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दिखेगा, हार्डवेयर नहीं सॉफ्टवेयर, उसके अंदर जाने के बाद आपको बिल्ड नंबर का ऑप्शन दिखेगा एंड यहीं पर लॉकर का दरवाजा मिल चुका है बट अभी बारी है उसको खोलने का। आपको क्या करना है, बिल्ड नंबर के ऊपर लगातार 7-8 बार टैप 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 करना है जब तक नीचे कुछ लिखा हुआ ना आ जाए एंड आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। कहीं कहीं फोन में आपको बिल्ड नंबर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि Xiaomi का फोन हो गया, उसमें आपको डेवलपर ऑप्शन को ऑन करने के लिए MIUI वर्जन पर 7 बार टैप 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 करना पड़ेगा। तो आपको अपना फोन के हिसाब से सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर लेना है। ओके, अभी देखते हैं हमारा फर्स्ट एक्सटर्नल सेटिंग को, जिसको ऑन करने से आपका फोन का टच रिस्पांस बढ़ जाएगा। उससे फायदा ये होगा अब धीरे से फायर बटन को ड्रैग करने से भी एनिमी को हेडशॉट आराम से लग जाएगा। बट उस सेटिंग को बताने से पहले भाई लोग एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, आपका सपोर्ट का हमें बहुत ज्यादा जरूरत है अभी। सो प्लीज यार, जिसने भी चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज कर लो एंड इस वीडियो का रीच बढ़ाने के लिए 23K लाइक एम कंप्लीट कर दो। ओके, अभी देखते हैं हमारा पहला एक्सटर्नल सेटिंग को, जिसको ऑन करके आप चुटकी में अपना टच रिस्पांस को बढ़ा पाओगे। उसको ऑन करने के लिए आपको अपना फोन के सेटिंग पर जाना है, देन सेटिंग के सर्च बार में आपको सर्च करना है डेवलपर ऑप्शन एंड अभी कुछ टाइम पहले जो बंदे डेवलपर ऑप्शन को ऑन किए होंगे उनको नीचे डेवलपर ऑप्शन दिख जाएगा एंड उसके बाद आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाना है। उसके अंदर आपको बहुत सारे डरावने सेटिंग का भंडार देखने को मिलेगा बट आपको बिना घबराए नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है एंड आपको तभी रुकना है जब भी आपको ये तीन एनिमेशन स्केल का ऑप्शन दिख जाए, लाइक विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल एंड एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। बाय डिफॉल्ट ये तीन सेटिंग आपका 1x पर सेट होता है बट अगर आप चाहते हो आपका फोन का टच रिस्पांस बढ़ जाए एंड आपका फोन फास्ट हो जाए तो आपको ये तीन एनिमेशन स्केल को 1x से हटाकर 0.5x या फिर ऑफ कर देना है। इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा एंड आपका फोन उल्टा फास्ट हो जाएगा। ओके, अभी बारी आता है हमारा सेकेंड एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल सेटिंग की, जिसको ऑन करने से आपका फोन का पावर बूस्ट हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा, चाहे आपका कितना भी लो एंड का फोन क्यों ना हो। अरे स्ट्रोम शक्ति, पावर बूस्ट होने से भला क्या होगा? सुनो, पावर बूस्ट होने का मतलब आपका फोन का प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाएगा, जैसे आप जब भी गेम खेलोगे आपको परफॉर्मेंस ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा एंड आपका तगड़ा हेडशॉट लगेगा एंड ये सेटिंग भी आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर मिलेगा। आपको फटाफट से डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाना है, मैं तो पहले से ही हूँ एंड डेवलपर ऑप्शन के अंदर आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए एक सेटिंग को ढूंढना है जिसका नाम है एनेबल GPU डिबग लेयर्स एंड आपको वो सेटिंग को ऑन कर लेना है एंड इस सेटिंग को ऑन करने के बाद गेम खेलने के टाइम परफॉर्मेंस ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा एंड आप तगड़ा हेडशॉट लगा पाओगे। ओके, अभी बढ़ते हैं हमारा तीन नंबर सेटिंग की तरफ, जिसका काम है आपका फोन का लैग को कम करना। देखो, लैग जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है परफॉर्मेंस वाइज लैग, अगर आपका फोन का प्रोसेसर एंड रैम कम है एंड आप एक हेवी गेम खेलोगे तो आपका फोन लैग करेगा एंड आप गेम खेलने के टाइम आपका फोन लैग होने का दूसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है स्लो इंटरनेट। अगर आपका नेट स्लो चल रहा है चाहे आपके पास जितना भी अच्छा डिवाइस क्यों ना हो वो लैग ही करेगा। बट आज के बाद से और नहीं, हमारा तीन नंबर सेटिंग को ऑन करने के बाद ये इंटरनेट वाला लैग खत्म हो जाएगा एंड नो डाउट ये सेटिंग भी आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर मिलेगा। आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाकर नीचे स्क्रोल डाउन करते हुए जाना है, आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है मोबाइल डेटा ऑलवेज एक्टिव एंड आपको वो सेटिंग को ऑन कर लेना है। उससे क्या होगा, गेम के अंदर जो हाई पिंग का प्रॉब्लम देखने को मिलता है उससे थोड़ा छुटकारा मिल जाएगा। ओके, अभी देख
देखते हैं हमारा नंबर 4 एक्सटर्नल सेटिंग को, जिसको ऑन करने से आपका फोन गेम पर ज्यादा फोकस करेगा, जिसके वजह से आपका सही से ड्रैग हो पाएगा एंड आप अच्छे से मूवमेंट भी कर पाओगे। एंड उसको भी ऑन करने के लिए आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाना है। तो नीचे स्क्रोल डाउन करने पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। बाई डिफॉल्ट आपका ये सेटिंग स्टैंडर्ड लिमिट पर सेट होगा, बट आपको वो सेटिंग को एटमोस्ट 1 प्रोसेस या फिर नो बैकग्राउंड प्रोसेस पर सेट करना है। ऐसे करने पर आपका फोन जो भी एक ऐप को ओपन करेगा उसको प्रायोरिटी देगा एंड उसी पर ही उसका सारा पावर लगा देगा एंड आपका गेम तगड़ा चलेगा एंड आपका मक्खन के जैसा हेडशॉट लगेगा। बट जैसे सिक्के का दो साइड होता है, इस सेटिंग को यूज करने का एडवांटेज मिलने के साथ साथ आपको एक डिसएडवांटेज भी देखने को मिलता है। मतलब अगर आप बैकग्राउंड प्रोसेस को नो कर दोगे आपका गेम तो अच्छे से चलेगा स्पीड से, बट अगर आप गलती से गेम से बाहर निकल जाते हो देन आपका गेम फिर से दोबारा लोड होगा। ये बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, अब भी बारी आता है हमारा लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग की, जिसको एक गेमर डेफिनेटली ऑन करना चाहिए। तो सेटिंग को ऑन करने से आपका फोन का प्रोसेसर कछुए से सीधा चीता बन जाएगा एंड उसको भी ऑन करने के लिए आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाना पड़ेगा। मैं तो ऑलरेडी अंदर हूँ। आपको नीचे स्क्रोल डाउन करते रहना है एंड एक सेटिंग को ढूंढना है जिसका नाम है फोर्स 4xMSAA एंड उस सेटिंग को ऑन कर लेना है। उसको ऑन करने से आपका फोन आपका प्रोसेसर को फोर्स करेगा 4 गुना ज्यादा काम करने के लिए एंड उसके बाद आपका गेम लैग फ्री मक्खन के जैसा चलेगा एंड आपका तगड़ा हेडशॉट भी लगेगा। बट और भी एक चीज का आपको ध्यान रखना है, इस सेटिंग को ऑन करने से आपका फोन नॉर्मल से 4 गुना ज्यादा काम करेगा एंड इतना काम करने के लिए उसको ऑब्वियसली ज्यादा पावर का भी जरूरत पड़ेगा। मतलब इस सेटिंग को ऑन रखने से आपका फोन का चार्ज थोड़ा ज्यादा खर्च होगा। तो यार ये थे वो 5 सीक्रेट सेटिंग्स जिनको आपको डेफिनेटली ऑन करके रखना है अगर आप फ्री फायर में तगड़ा गेम प्ले करना चाहते हो। और हाँ, अगर आप फ्री फायर के अंदर क्या क्या प्रो सेटिंग रखना है जानना चाहते हो देन इस वाली वीडियो को देख लो। इस वाली वीडियो में मैंने A to Z फ्री फायर का सारा सेटिंग को क्या रखना है डिटेल्ड में बताया है।